सभी को नमस्ते। बबीता बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस मशीन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। जैसे हमारी मशीन कई बार 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 ये मशीन धागा तोड़ती है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर इस मशीन के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। ये हमने आज डिजाइन लगा रखा है इस मशीन में। ये देखो, तीन चार बार धागा तोड़ दिया। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, बार बार मशीन धागा तोड़ती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बार 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 चेक करते हैं क्यों तोड़ती है। कभी ऊपर का धागा चेंज करके देखते हैं, कभी कभी ऊपर का धागा दोबारा से निकाल के डालते हैं, तो कभी नीचे वाला। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, हम बोबिन भरते हैं तो मैंने कई बार देख लिया, बोबिन भरते हैं तो जैसे चार पांच बोबिन भर लिया हमने, सभी ठीक चलेंगी। कई बार एक बोबिन बार बार धागा तोड़ती है, बार बार धागा तोड़ती है, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। और कई बार फिर उस पर ऊपर से थोड़ा सा धागे की परत हटा देते हैं बोबिन पे से, तो वो चल जाती है। कई बार टाइट भर देते हैं। अभी मैं आपको ये बोबिन में धागा भरना बताऊंगी, तो इस चीज़ को आप एक बार चेक कर लेना कि आपका क्या बोबिन की वजह से धागे में दिक्कत है, क्या इसी वजह से आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ रही है। मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है ये, क्योंकि चीज़ को जब यूज करते हैं जब ही उस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होता है। जब आप इसको यूज करोगे तभी पता पड़ेगी कि कई बार छोटी छोटी बातों से ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे बार बार धागा तोड़ती है मशीन, हमें ये ध्यान नहीं रहता कि बोबिन की भी वजह हो सकती है धागा तोड़ने की। और ये देखो, यहाँ से हमने ये चढ़ा लिया और एक स्टूल के ऊपर हमने इसको पूरे धागे के बंडल को रख रखा है, और इस तरीके से हाथ से पकड़ते हुए इसके बराबर मशीन के लेवल में रखते हुए धागे को इस तरीके से हम भरेंगे। ये देखो, अगर हम इसको उधर सरकाएंगे, उस साइड दबाएंगे, तो ये बोबिन का ये स्क्रीन पे देख सकते हो आप, निशान आ जाता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके, और आपको 80% के आसपास बोबिन भरनी है, फुल बोबिन नहीं भरनी, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है, ये फैल जाती हैं गर्मी की वजह से भी, कई बार हमारी ये बोबिन फैल जाती हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखो, धीरे 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 पूरी बोबिन भर देगी ये, और आप एक ही साथ सारी बोबिन भर के रख लेना, क्योंकि कई बार डिजाइन, ये जो मैंने डिजाइन चढ़ा रखा है ये बहुत हैवी डिजाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा धागा लगता है, ये देख सकते हो आप। इसमें ऊपर का थ्रेड भी बहुत ज़्यादा लगता है और जो अंदर भरा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये बंडल एक ही बार ले आना बहुत बड़ा आता है। ये मेरा अब कम से कम डेढ़ साल हो गए मशीन को लिए हुए, तब से ये ही चल रहा है। आप इंटरलॉक में जो धागा भरते हो वो भी यूज कर सकते हो। ये देखो, एक बोबिन भर ली हमने, ये 80% से ज़्यादा बोबिन नहीं भरनी। अब हम सभी बोबिन भर के रख लेंगे, ठीक है। और फिर भी इसमें कई बार कोई दिक्कत हो जाती है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है ये कि बोबिन की वजह से मेरी मशीन बार बार धागा तोड़ती है। और मैंने देखा कि बोबिन चेंज करते हैं तो फिर मशीन खूब अच्छे से चलती है, और कई बार उसी बोबिन पे से कुछ हम धागा उतार के फेंक देते हैं फिर भी चल जाती है। ये वजह नहीं पता क्या वजह होती है, बोबिन धागा क्यों तोड़ती है, इस चीज़ का मेरे को भी नहीं पता। और ये देखो, ये डिजाइन मैंने आज लगा रखा है, ये डिजाइन मेरा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डिजाइन है, बहुत सुंदर लगता है ये, बहुत मतलब थोड़ा सा अच्छा हैवी डिजाइन है, सभी बहनें इसको बहुत पसंद करती हैं। सूट डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है, और किसी भी बहन को अगर कोई डिजाइन बनवाना है तो मेरा हर वीडियो में नंबर होता है, बनवा सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।